मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दृष्टि दोष नाम से ही पता चलता है, दृष्टि में दोष मतलब आपको देखने में किसी तरह का समस्या उत्पन्न होगा तो वह दृष्टि दोष होता है। तो आपको कल हमने बताया था निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या था? निकट बिंदु में आप निकट की वस्तुओं को, निकट जो आपके सबसे निकटतम वस्तु होता है उसको आप आसानी से देख सकते हो, तो वह बिंदु निकटतम बिंदु होता है। और उसी तरह से जब आप किसी दूर से दूर स्थित वस्तु को, जहां तक की वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, वह आपका दूर बिंदु होता है। तो निकट बिंदु जो होता है सामान्य नेत्र के लिए वह 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु जो होता है वह अनंत होता है। मतलब आप 25 सेंटीमीटर तक के वस्तुओं को आसानी से देख सकते हो तो वो होता है निकट बिंदु। और उसी तरह से दूर, दूर में कोई निश्चित नहीं है, हर एक नेत्र के लिए दूर का कैपेसिटी अलग अलग होता है। इसीलिए दूर के वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उसकी जो दूरी मानी गई है वो अनंत मानी गई है। तो क्या होता है ना कि यदि मनुष्य किसी वजह से, मनुष्य का नेत्र जो है वह निकट बिंदु और दूर बिंदु यदि प्रभावित होता है, प्रभावित मतलब क्या हो गया कि वह निकट की वस्तुओं और दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है, तो ऐसे नेत्र को हम लोग दोषयुक्त नेत्र कहते हैं। और इस दोषयुक्त नेत्र से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इसी का नाम होता है दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहा जाता है, दूर या फिर दीर्घ दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अबिंदुकता। तो हम इन्हीं चीज पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वह है निकट दृष्टि दोष। तो निकट नाम से पता चलता है, निकट दृष्टि ये आप याद रखोगे तो इसका डेफिनेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। निकट दृष्टि मतलब दोष को आप भूल जाओ, दोष का मतलब कोई कमी है उसको भूल जाओ। निकट दृष्टि मतलब क्या हुआ कि नजदीक दृष्टि आपका है, यानी निकट दृष्टि दोष, भले निकट दृष्टि दोष लगा हुआ है लेकिन नजदीक में कोई दोष नहीं होता। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि नजदीक के वस्तु को आप आसानी से देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में आपको परेशानी होगी। नजदीक वाला खूब आसानी से देख लीजिएगा लेकिन दूर वाला देखने में परेशानी होगी। तो बस निकट दृष्टि मतलब वैसा दृष्टि दोष जिसमें हम निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को आसानी से या स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और इस दोष का जो वजह होता है उसमें क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश किरण जब हमारे नेत्र पर पड़ती है तो वह रेटिना से पहले एक दूसरे को काट लेती है। इसका मतलब यही हुआ कि वह प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना लेती है। जो पहले बनाओगे, चूंकि प्रतिबिंब रेटिना पर, प्रतिबिंब का जगह रेटिना है लेकिन पहले एक दूसरे को काट लेगा तो आप प्रतिबिंब कैसे देख पाओगे। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष में ये चीज ध्यान रखना है कि इसका जो वजह होता है, वजह क्या होगा, नेत्र पहले कैसे काट लेगा। पहले तभी काट सकता है जब ये जो नेत्र का गोलक है यानी गोला, वह यदि उसका लंबाई बढ़ जाए, नेत्र गोलक किसी तरह से दबा जाए तो लंबाई उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने के कारण जो है, जो मान लिया जाए इतना दूरी पर इतना बड़ा हाथी है, यहां पर आपको काट रहा है इस उंगली पर, यदि हम ऐसे कर दें तो डिस्टेंस उंगली तो यहीं पर था तो अब काटेगा तो यहीं पर, लेकिन यह लंबाई बढ़ गया है। तो इसका मतलब पहला वजह है नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना। और दूसरा वजह, चूंकि आप जानते हैं नेत्र में जो लेंस होता है यानी नेत्र लेंस, वह एक उत्तल लेंस होता है, यदि वह मोटा हो जाए, मोटा होने का मतलब क्या हो जाएगा,
जब आप जानते हैं कि मोटे लेंस का जो फोकस दूरी होता है या फोकस होता है वो पतले लेंस से कम होता है। यदि वही मोटा हो गया तो इसका मतलब फोकसित यहां पर इस तरह से, यदि यहां पर फोकसित होता है, अब यदि वह गोला नेत्र लेंस ही मोटा हो गया है तो यह डिस्टेंस जो है इतना दूर पर नहीं होकर के हो सकता है पहले बन जाए। तो दो वजह, इसका दो वजह क्या हुआ, पहला वजह नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना, नेत्र गोलक का मतलब पूरा गोला से है, और दूसरा इसमें जो लेंस लगा हुआ है उसका आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। ठीक है, तो यह दो वजह होता है नेत्र निकट दृष्टि दोष के। अब इसका निवारण कैसे है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा चश्मा, अवतल लेंस। अब आगे चलते हैं, अब देखो हम चित्र में यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं कि कंडीशन क्या क्या होता है। चित्र पहला में सबसे पहले हम पढ़ देते हैं, वैसा दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख सकता है, ऐसे दोष को दृष्टि निकट दृष्टि दोष कहते हैं। वजह नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, बताया ही थे एक्सप्लेन में। दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। ठीक है, अच्छा इसका निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला चित्र में हमने ये बताया कि आखिर ये दोष हुआ क्या, तो यह जो नेत्र गोलक है इसको हमने लंबा कर दिया, इससे क्या हुआ कि प्रकाश किरण जब आता है तो यह जो है रेटिना, रेटिना यहाँ होता है उससे पहले वो एक दूसरे को काट लेता है, यानी इमेज यही बना लेता है, और जब इमेज यहाँ पर बना लेगा तो वस्तु स्पष्ट दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। चलिए अब चित्र सेकेंड में देखो हम क्या किए हैं, ये देखो ये दूर से प्रकाश किरण आ रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हम इसका प्रयोग किए, कौन लेंस का, अवतल लेंस का, निकट वाला तो कंडीशन ठीक है था, इसलिए निकट वाला डॉटेड करके कर दिए, निकट वाला ठीक ही दिख रहा था, लेकिन हमको देखना कौन था, दूर वाला देख रहा था, दूर से आ रही प्रकाश किरण भी देखो इससे टकराया, टकराने के बाद जो है वह नेत्र गोलक के अंदर गया और वहां जो लेंस रखा हुआ उससे टकराने के बाद देखो यह प्रतिबिंब कहां पर बनाया, रेटिना पर बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अवतल लेंस का प्रयोग करने से दूर से आ रही प्रकाश किरण यानी दूर रखी वस्तुओं को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अब वही वजह इसको वर्णन कर दिया गया है, यहाँ चित्र फर्स्ट में देखते हैं कि नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ने के कारण समांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद एक दूसरे को रेटिना से पहले काट लेती है। देख लो समांतर प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद एक दूसरे को पहले काट लेती, रेटिना यहाँ है उससे पहले काट लिया। हाँ, तो ये हो गया इसको एक तरह से एक्सप्लेन करना, परंतु चित्र सेकेंड में हम देखते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करने पर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अवतल लेंस का प्रयोग किए, ये समांतर प्रकाश किरण आ रहा है, इसका मतलब दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताएं, उसके बाद इसका निवारण सचित्र वर्णन करें, तो वही इतना जितना आपको हम लिखाए हैं उतना आपको लिख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे अथी पर, दूसरे प्रकार पर, दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। दूसरा चलते हैं, दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। जस्ट या निकट का उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, निकट की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते थे लेकिन दूर की वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। जस्ट इसका उल्टा, नाम से ही पता चलता है, दूर दृष्टि दोष, भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, दूर दृष्टि यानी आपका दृष्टि दूर तक है, यानी आप दूर तक देख सकते हो अच्छे से। इसका मतलब यही है कि इस दोष में जो होता है
वह दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं लेकिन नजदीक की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो ये होता है आपका दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। इसका जो कारण होता है जस्ट इससे पहले जो लिखाए थे उसका विपरीत होता है कि इसमें इसका जो गोलक होता है नेत्र का गोलक उसका लंबाई कम हो जाता है, नेत्र गोलक का लंबाई कम हो जाएगा। और जब नेत्र गोलक का लंबाई ही कम हो गया तो जो वस्तु से आ रही प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद वह एक दूसरे को जो काटता है वह रेटिना के बाहर वाले क्षेत्र में काटता है, मतलब जितना डिस्टेंस पर रेटिना स्थित होता है उससे बाहर भी एक दूसरे को काटता है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। तो इस दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस के चश्मे का। तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो निकट देखने में परेशानी होती है, जो निकट बिंदु जो होता था उसका प्रतिबिंब जब रेटिना के भी बाहर बनता था, लेकिन जैसे ही इसका उपयोग किया जाता है तो प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना पर बनता है। तो इसमें हम लोग निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। एक्सप्लेन करते हैं इसको कि वैसा तो जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट की वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका वजह नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये जो बड़ा होता है गोलक उसका छोटा हो जाना। दूसरा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक पतला होगा तो इसका मतलब उसका फोकस दूरी बढ़ेगा, और फोकस दूरी बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रकाश का किरण जब आएगा तो जहां पर मान लिया जाए इस डिस्टेंस पर एक दूसरे को काट रहा है तो वह थोड़ा दूर जाकर के काटेगा, ऐसे काटेगा मतलब यहां से नहीं काट करके थोड़ा दूर इस तरह से काटेगा। तो इसका मतलब ये निश्चित तौर पर यह जो प्रकाश का किरण होगा वह गोलक के बाहर काटेगा क्योंकि इसका फोकस दूरी बढ़ेगा। तो ये जो दूसरा वजह लिखे हैं नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, इसको आप बोल सकते हो कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, ये हो गया इसका वजह निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। वर्णन, आप चित्र फर्स्ट में देख रहे हो कि गोलक जो है वह गोलक का लंबाई कम हो जाने के कारण या नेत्र गोलक का कम होने के कारण यहां से जो प्रकाश किरण जा रही है निकट वस्तु निकट न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु रखा हुआ है उससे प्रकाश किरण ऐसे अपवर्तन के बाद देखो रेटिना यहां है उससे बाहर काटता है। तो वही लिखे हैं चित्र फर्स्ट में देखते हैं कि नेत्र गोलक की लंबाई कम होने के कारण वस्तु सारे प्रकाश के किरण अपवर्तन के बाद एक दूसरे को रेटिना के बाहर काटती, यानी जब रेटिना के बाहर काटेगा तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हम लोग कैसे देख पाएंगे। परंतु चित्र सेकंड में देखते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करने से जो बाहर बन रहा था बाहर काट रहा था एक दूसरे को वह जस्ट रेटिना पर काट रहा इमेज यहां बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, आप देखो इसमें निकट का दूर निकटतम बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर है, वो प्रभावित हो रहा है, बाहर बन रहा है प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ फिर भी 25 ही है लेकिन अब देखो 25 वाला रहे या फिर दूर वाला जो है, दूर में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये ऐसा करने से जैसे इस लेंस का प्रयोग किया गया तो यह निकट पर रखी वस्तु भी जो है वह यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, यानी निकट वस्तु रखने पर भी उसका प्रतिबिंब आर पर यानी रेटिना पर बन रहा है, ठीक है। ये था पहला का वर्णन, मतलब दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। चलो एक चीज हम बता देते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जैसा हम साइड में लिखते हैं निकट और दूर, इसके लिए निकट में जो प्रयोग होता है वह अवतल प्रयोग होता है और दूर में जो प्रयोग होता है वह उत्तल पर। ध्यान देना भाई ये वाला, ये थोड़ा सा अलग है, याद करने का एक ट्रिक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसके वजह से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि किस दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करना है। तो देखो अब यहां पर देखो निकट, ध्यान देना जरा सा, निकट हर्षीकर खत्म कर दो, हर्षीकर कुछ नहीं, 1 2 3 कितना अक्षर का हुआ,
तीन अक्षर का। ये देखो अब तल आकर राशि कर को नहीं गिना, एक दो तीन चार, चार है। इसमें देखो दूर आकर हर्षु कर कुछ नहीं जोड़ना है, दूर दो एक दो, दो अक्षर का हुआ। उत्तल ये तीन अक्षर का हुआ। तो आप याद रखना दो के लिए तीन और तीन के लिए चार, दो के लिए तीन याद रखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, दो 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 के लिए तीन यानी दूर के लिए तीन यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। और निकट, निकट देखो निकट हर्षिकर हटा दो, निकट और निकट तीन के लिए चार, तो चार वो तो लो अब तक, तो दो के लिए तीन और तीन के लिए चार। इसको याद रखोगे तो इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे कि उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस में से किसका प्रयोग दोनों दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो ये था आपका दूरदृष्टि दोष। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष नाम से ही पता चलता है, जरा दृष्टि दोष यानी जरा सा दृष्टि में प्रॉब्लम है। इसका मतलब यही है कि हम दूर को, दूर की वस्तुओं को या फिर नजदीक की वस्तुओं को, दोनों में कंफ्यूजन है। मतलब दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट नहीं देख पाएंगे और नजदीक की वस्तुओं को भी स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो जरा दृष्टि दोष में दूर और नजदीक दोनों बिंदु प्रभावित होता है। यानी इसमें दूर के लिए आप जानते हैं, दूर के लिए जो देखने का अधिकतम दूरी होता है वो अनंत होता है। मतलब एक स्पष्ट दर्शन के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। इसमें आप दूर की वस्तु को भी अच्छा से नहीं देख पाओगे और न ही नजदीक की वस्तुओं को अच्छे से देख पाओगे। तो ये होता है आपका जरा दृष्टि दोष। तो ऐसा होता क्यों है? यह बुढ़ापे में जनरली होता है। बुढ़ापे में क्या होता है आप जानते हो, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर का एनर्जी लेवल अपने आप लो होने लगता है। तो उस वजह से हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं सभी में एनर्जी लेवल लो होता है। तो नेत्र का जो होता है नेत्र लेंस, वह अपना प्रत्यास्थता खो देता है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या हो गया? प्रत्यास्थता को आप ऐसे समझो कि जैसे आप स्प्रिंग लेते हो, स्प्रिंग को दबाते हो उसको छोड़ देते हो तो वह अपने जगह पर आ जाता है। या कि गेंद को ले लो, गेंद को दबाते हो, एक टेनिस गेंद दबाते हो उसको छोड़ देते हो तो अपने जगह पर आ जाता है। तो ये हो गया प्रत्यास्थता का गुण होना। लेकिन वही चीज यदि आप आटा को ले लो, आटा को दबा करके छोड़ दो जैसा का वैसे हो जाएगा, छोड़ दोगे जिस अवस्था में उसी अवस्था में आ जाएगा। जस्ट उसी तरह से लेंस में भी होता है। तो नेत्र लेंस जो है उसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। आवश्यकता जरूरत के हिसाब से यदि उसको दबाते भी हैं और छोड़ते हैं तो वह वापस अपने स्थान पर आ जाता है। लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद मनुष्य का जो नेत्र होता है उसका प्रत्यास्थता का गुण अपने आप खोने लगता है। यानी वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह जाता है, वह बढ़ या घट नहीं पाता है। एक वजह तो ये है। और दूसरा, कल हमने आपको लेंस के बारे में मानव नेत्र का जो चित्र बताया था उसमें बताया था कि नेत्र लेंस को किसी के द्वारा जकड़ा जाता है, कोई उसको पकड़ करके रखता है, वो होता है सिलियरी पेशी। तो सिलियरी पेशी जो है अपने जरूरत के हिसाब से उसको दबाता है, उसको छोड़ता है, जिसके कारण जो है वह अपना फोकस दूरी बदलते रहता है। तो प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? या तो नेत्र लेंस अपना प्रत्यास्थता खो देगा या फिर सिलियरी पेशी कमजोर हो जाएगा। कमजोर का मतलब क्या हो गया कि वह सिलियरी पेशी जो है नेत्र को, नेत्र लेंस को दबा ही नहीं पाएगा। मतलब यदि ऐसा कर ही नहीं पाएगा तो इसका मतलब दूर रहे या फिर नजदीक रहे दोनों तरह के वस्तुओं को देखने में परेशानी होगी। तो इसलिए इस लेंस का मतलब इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी हमको नजदीक देखना है, निकट देखना है अच्छे से, तो निकट के लिए हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोगों को उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी इस दोष में दोनों लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आपको ध्यान में होगा जब आप चश्मे को आप देखिएगा, किसी के चश्मे को, तो चश्मे में इस तरह का आकृति इस तरह से बना हुआ आपको नजर आएगा। ये देख रहे हो आप इस तरह का, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा दोनों अलग अलग लेंस होता है। तो नीचे वाला हिस्सा का प्रयोग हम लोग पढ़ने के लिए करते हैं
और पढ़ने का मतलब वह नजदीक वाला चीज अच्छे से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो निकट वाला जो होता है वह उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला का प्रयोग जो है हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। चलते हैं अब हम लोग चौथे दोष पर जिसका नाम है अबिंदुकता। क्या? अबिंदुकता। नाम से ही पता चलता है बिंदु से संबंधित यह दोष है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु को देखते हो तो उसके उदग्र और क्षैतिज में कुछ अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब ये हुआ कि वस्तु को यदि आप देखते हो तो उदग्र मतलब ये सीधा हुआ, मान लिया जाए ये वस्तु ऐसा है तो यह आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, मान लिया जाए यह स्लीपिंग वे में है तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, मान लिया जाए यह बिंदु ऐसा वस्तु ऐसा है तो ऐसा दिखाई पड़ेगा या ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि इसमें जो है वस्तु का कोई विशेष स्थिति दिखाई नहीं, मतलब वस्तु जैसा है वैसा दिखाई नहीं दे करके एक अजीब तरह का दिखाई पड़ता है। ऐसा होने के कारण कभी कभी हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है, समझ में नहीं आता है कि हम लोग देख क्या रहे हैं। तो अबिंदुकता एक ऐसा दोष होता है, हाँ वैसा दोष जिसमें व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज कतारों को फोकसित नहीं कर पाता अच्छे से, मतलब एक साथ जो है सीधा या फिर इस तरह से उसके लंबाई बोलो या चौड़ाई बोलो उसको एक साथ उस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, जिसके कारण यहाँ पर हम क्षैतिज वाला लंबवत वाला भी दिखाया और क्षैतिज वाला भी दिखाया, तो दोनों में इस तरह का पोजिशन दिखाई देगा प्रतिबिंब का। तो और क्या होता है इस दोष में जो है कभी कभी वस्तु एक बिंदु के रूप में होने पर भी उसका प्रतिबिंब रेखीय वृत्त या किसी अन्य प्रकार का बन जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। भले यह दृष्टि दोष है लेकिन इस तरह का दृष्टि दोष यदि किसी को भी हो तो वह निश्चित तौर पर उसके संतुलन को बिगाड़ सकता है। आप खुद सोचो कि आप जिस चीज को हम जानते हो ऐसा होता है और एक्चुअल में वो ऐसा नहीं दिखेगा तो हो सकता है आप डर जाओ, हो सकता है कि लगे कि यह किसका आकार हम देख रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपके मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। तो इसका जो कारण होता है यह दोष में कॉर्निया की वक्रता के सममिति में कमी होने के कारण, सममिति का मतलब हुआ एक समान होना, यानी वक्रता का जो हर एक पार्ट है वह एक समान नहीं होने पर, यानी वक्र उसका जो पार्ट होता है कॉर्निया का जो वक्रता होता है उसमें कुछ न कुछ कमी हो जाती है। मान लिया जाए कॉर्निया इस तरह का आकार है, कॉर्निया का वक्रता इस तरह का है, तो इसमें उधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा आपको सेम लग रहा है। अब हो सकता है यह आकार ऐसा हो जाए, इसमें देखो यह इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों सेम हो गया, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण होता है, यानी कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम होता है उस वजह से यह दोष होता है। तो इस दोष का निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको जो चारों प्रकार लिखा है एक बार चारों को हम फिर से शुरू से हम रिपीट करते हैं। इसमें पहला था दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बल्कि, तो निकट दृष्टि दोष को दूसरा नाम जो है मायोपिया भी कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। निकट वाला बोले थे आपको तीन न्योकॉट और तीन अथी का होता है, तो उसका उससे जो निवारण होगा वह चार वाले शब्द से होगा, यानी चार वाला अब ओ वो तो लो अवतल। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल से। उसी तरह से दूसरा चलते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसका दूसरा नाम है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। तो इस दृष्टि दोष को में क्या होता है कि दूरदृष्टि में दूर वाला दिखेगा, नजदीक वाला नहीं दिखेगा, नजदीक वाला नहीं दिखेगा। तो नजदीक वाला नहीं दिखेगा तो दूरदृष्टि दोष है, दूर दो गो शब्द है दूर, है ना, तो उसका निवारण तीन गो शब्द से होगा, यानी दू के लिए तीन बोले थे, तीन के लिए चार बोले थे, दूर तो दो गो, तो इसके लिए तीन शब्द याद रखो, यानी उत्तल तीन शब्द हो गया। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से होगा। अगला चलते हैं, इसमें था जरा दृष्टि दोष प्लस मायोपिया। तो इसमें क्या होता है,
कि ना तो आपको दूर का अच्छा से दिखेगा ना तो नजदीक का अच्छा दिखेगा, तो दोनों अथी लगाओ, आप दोनों का प्रयोग करो, दूर वाला भी दिखे अच्छा से और नजदीक वाला भी दिखे, तो आप ऐसा चश्मा देखवे कि ये हो जिसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह देखने के लिए होता है, दूर वाला भाग देखने के लिए, और ये जो निचल का हिस्सा आप देख रहे हो, यह निचल का हिस्सा यह एक उत्तल लेंस की तरह है और इसका प्रयोग जो है पढ़ने के लिए होते हैं। आप यदि कहीं बैंक या फिर कोई डाकघर या कहीं गए होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे जो बड़े बुजुर्ग जो बड़े पोस्ट पर होते हैं, यदि आप देखते होंगे बैठे हुए चश्मा एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़े हुए हैं, और यदि आप हो सकता है आपसे बात करें तो ऐसे निकाल करके देखें, क्योंकि वह जो है वो क्या करता है, जो निचल का हिस्सा होता है उसको हटा देता है, उसको नीचे कर देता है ताकि आपको सिर्फ देखे। है तो इस तरह का यदि कोई प्रयोग करता है तो नीचे वाला उत्तल और ऊपर वाला अवतल लेंस होता है। तो इस तरह से तेरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। और चौथा जो है ये अभिदुक्ता, जिसमें मनुष्य को एक ही साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कतारों के बीच फोकसित करने में जो है एक ही साथ फोकसित करने में परेशानी होती है, तो इस तरह का दोष को हम लोग अभिदुक्ता कहते हैं, और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने आपको दृष्टि दोष के बारे में बताया, दृष्टि दोष के कारण, निवारण, और शुरू वाला जो था दोगो उत्तल शुरू वाला दोगो जरा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, उसका सचित्र वर्णन करके बताया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।